डॉक्टर साहब आप मुझे देख रहे हैं, मैंने 1.5 घंटा आपकी क्लिनिक में टाइम खराब किया है। आप मेरे सामने 15 मिनट लोगों से बात कर रहे हैं, मैं ऑब्जेक्शन करने पे आप बोल रहे हैं मैं आपको नहीं देखता, जाओ जनाब आपसे बात कर रहा हूँ मैं, भैया आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आप बोलिए मेरे को। नहीं नहीं आप मेरे को देख रहे हैं नहीं देख रहे बोलिए, आपका यही तरीका है। मैं आपका दुश्मन हूँ, डॉक्टर को दुश्मन को भी देखना पड़ता, आप नहीं देखते आप ठीक है। ये हमारे डॉक्टर साहब है, इनका नाम खिजर हुसैन है, मेरे को 1.5 घंटा रुका दिए ठीक है। 1.5 घंटा रुकाने के बाद उन्होंने मेरे सामने 15 मिनट कॉल करे, अब बोल रहे मेरा मामू मर रहा, मैं उधर बात कर रहा था, मामू मरने वाले दवाखाने में न रहना, चल जाना। अरे यारो ये डॉक्टर है यारो, अरे कई का, अरे उन्होंने करे मेरा टाइम खराब, इनका सब टाइम क्या। अरे भैया मैं कब से बैठे हुआ हूँ, 1.5 घंटे से बैठे हुआ हूँ, मेरे सामने 15 मिनट उन्होंने बात कर रहे फोन पे, हर आदमी आवाज निकाल के बात कर सकता, समझे आप। अब नहीं देखता हूँ बोल रहे मेरे को, अब देखो अब ये हॉस्पिटल है, देखो भाई विजयनगर कॉलोनी में ये तरीका है, चेहरे पे दाढ़ी है, फिर वाह 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 वाह, मामू मर रहा तो जाके जाओ मामू कन जाओ इलाज करो, दूसरों का नोटा कहीं कुछ छाप रहे, पैसे भी हो ना मामू भी हो ना। खिजर नाम है ये डॉक्टर का, खिजर, मेरे को 1.5 घंटा बिठाया ये हॉस्पिटल में, देखो भाई ये हॉस्पिटल में 1.5 घंटा बिठा के बोल रहा मैं नहीं देखता हूँ, आप ऊंची आवाज में बात कर रहे बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मुझे कोई मीडिया में आने का शौक नहीं है मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ना और किसी से मेरी कोई दुश्मनी है। डॉक्टर खिजर मेरे एक दोस्त है, उन्होंने इनका रेफरेंस दिया था, डॉक्टर खिजर से मिलिए, बहुत अच्छे डॉक्टर है। मेरा ठीक है भाई बिल्कुल मिलेंगे, मैंने गया अपॉइंटमेंट लिया, बोले आपको 15 मिनट में बता देंगे आप वेट करिए, ठीक है मैंने बीपी चेक कराया वेट करिया। उसके बाद डॉक्टर साहब नमाज को गए, मगरिब की नहीं पढ़े थे, मगरिब और ईशा, मेरा ठीक है भाई नमाज में नो एक्सक्यूज, नमाज है तो सब है बाद में। उसके बाद डॉक्टर साहब आए, दूसरा एक पेशेंट को देखे छोटे लड़के को, उसके बाद और एक आदमी को देखे, फिर उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने ऐसा बैठा बैठते डॉक्टर साहब फोन निकाल लिए, ये डॉक्टर साहब है देखिए खिजर हुसैन जुनेदी साहब, फोन निकाल के बात करे, पहले बोल रहे ये चीजा ला लो वो चीजा ला लो, एक कॉल हो गया फिर फोन मिलाए, अब मिला के बोल रहे उन्होंने बीपी कितना है वो कितना है, बहरहाल बहुत काफी लंबी बात करे, मैंने चलो भाई बात कर रहे होंगे लेकिन बात लंबी हो गई, बहुत ज्यादा लंबी हो गई, तो मैंने बोला सिर्फ इतना ही डॉक्टर साहब ये आपका तरीका ठीक नहीं है, आप मैं ऑलरेडी 1.5 घंटा वेट किया हूं और आपने काफी लंबी बात की है। उन्होंने फौरन स्लिप मेरे हाथ में देके बोल रहे आप जाइए पैसे ले लीजिए मैं नहीं देखता। तो आप मुझे ये बताइए डॉक्टर का ये तरीका होता है। उन्होंने बोल रहे मेरा मामू मर रहा, मैं बोला डॉक्टर साहब मामू आपके मर रहे क्रिटिकल है, आप फौरन हॉस्पिटल छोड़िए जाइए, आप पहले मामू को देखिए, आप खुदा ना खास्ता आपके मामू को कुछ हो गया तो। लफ्ज़े लिहाजा बात यह हुई है वो डॉक्टर मेरी नजर में नहीं है, वो शर्मसार इंसान है, निहायत ही जलील है, उनको ना कुछ तरीका मालूम है बात करने का, गुस्से में कौन सा डॉक्टर करता आप बात ये बोलिए। मैं उनको बोल रहा हूं आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनिए होंगे, डॉक्टर साहब मैं आपका दुश्मन हूं, आपको दुश्मन को भी देखना पड़ता, मैं इतना होने के बाद भी बोला मेरा सब चीजें ये बाजू रख दो डॉक्टर साहब, अब आप मेरे से आप मेरे को देखिए आप कैफियत लीजिए, आप नहीं देखता हूं मैं साफ बोल रहे हूं। तो शर की बात डॉक्टर साहब करे, शर पैदा डॉक्टर साहब करे, हर वो चीज गलत डॉक्टर साहब करे भाई, अब वो अच्छे इंसान होंगे बुरे इंसान होंगे मेरे को नहीं मालूम, मेरा ना उनसे कोई जाति दुश्मनी है, मैं जिंदगी में पहली बार उनको देखा उनसे मुलाकात किया बस, तो ये हादसा हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह मेरे को जो करना है मैं वो करूंगा, कानूनी कार्रवाई। आप लोग का शुक्रिया, खुदा। तो खिजर हुसैन जुनेदी जो कि गांधी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देते हैं, इनको रियल कोविड वॉरियर का खिताब देना भी कम है, क्योंकि 2020 से ये कोरोना के मरीजों का
बहुत बेहतरीन इलाज कर रहे हैं, नहायत ही वाजबी दाम पे बहुत कम फीस लेकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दिन में ये गांधी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देते हैं और रात को 10 बजे से लेके 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक मरीज़ों के लिए खिदमत में हाजिर हैं। तो इनके हक़ में दुआ गो भी हों और इनसे इस्तिफादा भी करें। जितनी इनकी सताइश की जाए कम है। नौजवान साल है ये, इनका पता है मल्लेपल्ली अनमोलम कॉलेज के बैक साइड इनकी क्लिनिक है और इनके फ़ोन नंबर भी है, अपॉइंटमेंट लें। जो कोई भी मुतासर है कोरोना वायरस से इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द शिफा होगी। और इनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह इनको सेहत याब, सेहत से रखे और इनसे भरपूर खिदमात लें। हॉस्पिटलों में जाने से पहले एक बार इनसे ज़रूर रब्ता करें, इनका मुफीद मशवरा काम में आएगा। जितना हो सके इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।